सीना के घर वासरा से पैराग्लाइडिंग के लिए पायलटों ने की रेकी, उड़ान के लिए उपयुक्त पाई जगह। डीसी राघव शर्मा व तकनीकी टीम के साथ साथ मौके पर रहे उपस्थित। कुटलहर विधानसभा क्षेत्र के घर वासरा से रायपुर मैदान के लिए पैराग्लाइडिंग की संभावनाएं तलाशने के लिए 5 पायलटों की टीम ने रेकी की। इस दौरान उपायुक्त ऊना राघव शर्मा, जिला परिषद उपाध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी, पर्वतारोहण एवं संबंधी खेल संस्थान मनाली के अतिरिक्त निदेशक सुरेंद्र ठाकुर, सहायक पर्यटन विकास अधिकारी रवि धीमान, नायब तहसीलदार डीपी नेगी, सीनियर पैरा ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर अनुजा अवस्थी सहित तकनीकी टीम के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। पायलटों संग तकनीकी टीम ने प्रातः 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक घर वासरा में मंदिर के सामने तथा उसके आसपास एक दो अन्य स्थानों पर उड़ान भरने के लिए स्थानों का निरीक्षण किया। साथ ही पैराग्लाइडर के उतारने के लिए गरीबनाथ मंदिर के पास की जगह के बारे में भी चर्चा की। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा कि तकनीकी टीम ने सभी पहलुओं का जायजा लिया और घर वासरा से उड़ान भरने के लिए उपयुक्त स्थान पाया है। आज उड़ान भरने की कोशिश की गई, लेकिन हवा ने साथ नहीं दिया और इसलिए उड़ान नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि उड़ान के बाद टेक ऑफ साइट व लैंडिंग साइट की अधिसूचना जारी की जाएगी, जिससे यहां पर पर्यटन की दृष्टि से पैराग्लाइडिंग का खेल आरंभ हो पाएगा। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबंधी खेल संस्थान मनाली के अतिरिक्त निदेशक सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि कांगड़ा से विभाग का एक पैरा ग्लाइडिंग प्रशिक्षक को बुलाया गया है, जो देर शाम तक पहुंचेगा तथा वीरवार को प्रातः 7 बजे पायलट उड़ान भरेंगे। उन्होंने कहा कि जगह पैरा ग्लाइडिंग के लिए उपयुक्त पाई गई है। पायलटों ने हवा का रुख भी देखा है और पाया कि सुबह के समय यहाँ से उड़ान भरी जा सकती है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, कृषि, मत्स्य तथा पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि घर वासरा के साथ साथ सोलहसिंगी धार से भी पैरा ग्लाइडिंग की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, जिससे कुटलहड़ में पर्यटकों की संख्या बढ़ सके, जिससे स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ाओं का आयोजन भी किया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश सरकार निरंतर कोशिश कर रही है। हम इधर जा सकते हैं और अच्छा एक कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और नीचे लेक है, लेक यहाँ से काफ़ी दूर है, पर पैनोरामा काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है, वैली काफ़ी अच्छी है। और बाकी हम फ्लाइंग करने बाद ही बोल सकते हैं यहाँ पे क्या फ्लाइंग कैसी हो पाती है यहाँ पे। जी, मेरा नाम कमल कुमार, मैं बीड बिलिंग से आया हूँ और मेरी एसोसिएशन ने मेरे को यहाँ निकल बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन, सबसे पहले थैंक यू करता हूँ सब लोगों का कि मैं यहाँ आया। यहाँ पे हमने साइट चेक की, बट जो एज ए लोकेशन अच्छी लग रही है, जिस पॉइंट से हमें दिखाया गया पॉइंट भी अच्छे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारी भी सपोर्ट ये रहेगी कि हम एक अच्छा सा पॉइंट ढूंढ के दें और अच्छी सी जगह मिले जहाँ पे टूरिज्म ज़्यादा से ज़्यादा आए। ऊना से आपका फैसला स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए रिपोर्ट करने के लिए जो है आज टेक्निकल कमेटी की हमने जॉइंट इंस्पेक्शन किया है। इसमें हमारे 5 पायलट्स भी आए हुए हैं और सुबह से हम यहाँ देख रहे हैं। कुछ हमने आसपास के एरिया की रेकी की है, बहुत ही बढ़िया लैंडिंग और टेक ऑफ साइट्स हमें मिल चुकी हैं। सुबह एक बार आके हम यहाँ पर इसकी फाइनली एक बार यहाँ से फ्लाइट लेंगे। ऊना से आपका फैसला टीवी के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ राजनीतिक संवाददाता विपिन साजन की रिपोर्ट।